बढ़ती गर्मी ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है, अभी तो शुरुआत है। साथ ही साथ मुंबई में आए दिन बीएमसी पानी की कटौती का ऐलान करते आ रही है। जरा सोचिए, इस तपती गर्मी में पानी ही ऐसा माध्यम है जिसे आपका शरीर और आपकी प्यास को चैन की सांस लेने में मदद करता है। लेकिन उन लोगों का क्या जिन्हें स्वच्छ पानी नसीब नहीं होता, किस तरह वह गुजारते हैं अपना दिन। हम बात कर रहे हैं अंधेरी पश्चिम के किस्मत नगर की, जिसकी किस्मत ही फूटी है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं। किस्मत नगर में कई समय से लोग तरस रहे हैं कि उन्हें स्वच्छ पीने का पानी सप्लाई किया जाए, लेकिन इनकी किस्मत में है बदबूदार और गंदा पानी, जिसे आप और हम जैसे लोग पीना तो क्या, देखना भी पसंद नहीं करेंगे। इस विषय पर हमारे संवाददाता अकबर शाह ने इस क्षेत्र के रहवासियों को हो रही पानी की समस्याओं के बारे में पूछा। अभी हम यहाँ पानी के लिए तकलीफ उठाते, पानी मिलता है, थोड़ा मिलता है, और कभी तो मिलता ही नहीं है, तो क्या करेंगे। ये ऐसा अखा अखा दिन भर बैठना पड़ता है पानी के लिए। बर्तनों की तो लाइन लगी ली है। अभी तो देखो, अभी थोड़ा पानी हम लोग को मिला ड्रम के अंदर, उसके बाद में पानी मिला ही नहीं। दो तीन चक्कर लगा के आए पानी के लिए। कितना समस्या होती होगी अगर आपको पानी एक दिन ना मिले, बच्चों से लेके कितना समस्या दिन भर में आपको जूझना पड़ता है पानी के लिए। ये देखो, अखा अखा दिन भर पानी के लिए ऐसा निकालना पड़ता है। सुबह से ना खाना है ना नाश्ता है, सुबह से पानी के लिए परेशान है हम लोग। अगर कहा जाए आपको जरूरत होती है पानी की, किस चीज़ के लिए आप इस्तेमाल करती हैं? अभी कपड़े के लिए लगता है पानी, बर्तन के लिए लगता है, समझे ना, नहाने धोने लगता है, छोटे बच्चे सारा दिन उनके लिए लगता है पानी, तो क्या कर सकते हैं बताओ। पानी नहीं आया तो क्या करते, बैठे रहते बिना पानी के। हाँ, जैसे आज इंतज़ार कर रहे पानी का। अभी नए नए मिले तो देखो, सुबह के 11 बजे पानी आता है तो वो लाइन में थोड़ा बहुत वो भर लेते हैं, उनका होएगा तो हम लोग को देते हैं। तो यहाँ दो चार घर और है, वो जैसा उनको भी मिला तो ठीक है, नहीं तो नहीं सही। अभी देखो आगे उस बिल्डिंग बन रही है, वहाँ जाना पड़ता है डब्बा लेके, अगर वहाँ मिला तो। अब पानी नहीं है तो बच्चों को तो स्कूल भेजेंगे तो नहला धुला के ही भेजना पड़ता है ना। तो जब पानी नहीं है तो बच्चों को भी स्कूल नहीं भेजते, ट्यूशन तक नहीं भेजते हम। हाँ, क्या कर सकते हैं बताओ। और कितने सालों से हम लोग को पानी की तकलीफ है। पानी नहीं रहेगी तो कपड़े भी धुले नहीं जाते, दो चार दिन का कपड़े धोने नहीं मिलता है। कभी पानी के चक्कर में खाना भी नहीं बनता है, खाने भी नहीं मिलता है, डब्बे ले लेके जाना पड़ता है लंबा लंबा पानी लाने के लिए। अभी सामने सब खाली पड़ा है, अभी आज भी पानी नहीं है, क्या करेगा। टेंशन भी बन जाता है कि लोग काम भी करो मुंबई जैसे शहर में, पैसे भी कमाओ, और उसके बाद जो है ये सुविधा भी ना मिले तो कितना दुख लगे। दुख नहीं लगता आपको? बहुत दुख लगता है। मीटिंग में आते हैं, मतलब वोट के लिए तो सब आते हैं, लेकिन पानी का प्रॉब्लम है, गटर का प्रॉब्लम है, कोई नहीं आएगा। सब सबके पास गए हम लोग, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई अभी तक। वही आ जाएगा कल आएगा, इससे बस। गर्मी में तो आप खुद देख रहे हैं पानी कितना ही है इधर। अब बारिश का पानी भी पूरा घर तक आते हैं, यहाँ तक। अभी छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे इधर, बहुत प्रॉब्लम है। पीने का पानी आता है लेकिन उसमें स्मेल आती गंदी, गटर की जैसी। आज हम लोग 4-5 महीने से इसी पानी पी रहे हैं। वो उबाल के देते, क्या कर सकते हैं, क्योंकि खर्चा बढ़ गया, बीमार पड़ते, अभी भी बच्चे बीमार हैं हम लोग के। लोगों की समस्या क्या, इन्हें पानी तक के यहाँ नहीं मिलता। अगर किस्मत से अगर इन्हें पानी मिल भी जाए तो आप देख सकते हैं मेरे हाथ में जो बॉटल है, ये बॉटल में जो पानी भरा हुआ है ये यहाँ पर मिलता है, और ये काफ़ी गंदा है और इसमें एक अजीब तरीके की स्मेल आती है, जिससे यहाँ के बच्चे भी काफ़ी बीमार हो चुके हैं। अब किस्मत नगर की तो किस्मत फूटी है। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि किस्मत नगर की किस्मत कब चमकती है। कैमरामैन रामा यादव के साथ मैं अकबर शाह, तहलका 24 न्यूज़, मुंबई।